तो देखिए कुछ इस तरीके से रोड डाइवर्जन है और कल के लिए जो तैयारी, तो ये लग गया है लंबा जाम। और यहाँ से आपको देखिए इस टाइम मैं नैनीताल पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके आ रहे हैं ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि 14 और 15 तारीख को कैची धाम में। तो देखिए अभी फुटपाथ पे दुकानें भी नहीं लगी हैं और क्राउड बहुत कम है, भीड़ भाड़ बहुत। तो देखिए जैसे ये बाइक है पार्क आप करते हैं ना, तो एक दिन के लिए होता है ये, सुबह 8 बजे शाम। चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए। नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसन। और आज जो नैनीताल का जो मौसम है, वेदर है, काफी धूप तेज है और काफी गर्म लग रहा है। नैनीताल का भी यार वेदर ही बिल्कुल चेंज हो गया, तो मैं दिखाने वाला हूँ कि नैनीताल में कैसा क्राउड है, कैसी भीड़ भाड़ है। कल है 15 जून, नैनीताल से 18 किलोमीटर दूर कैची धाम, कैची धाम में है स्थापना दिवस, तो वहाँ पे मेला भी लगता है और काफी श्रद्धालु वहाँ पे आते हुए हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे वहाँ पे आने वाले हैं, कैसी भीड़ भाड़ है। तो अभी मैं आज और 9 किलोमीटर पहली गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, तो नैनीताल में उस हिसाब से कैसा क्राउड है ये सब बताने वाला हूँ। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करता आज के लिए, मेरे ब्लॉग बने रहेगा करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी अब छोड़ देंगे। इस टाइम हम नैनीताल की नैनीताली के पास, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस टाइम हम हैं भवाली के सेंट्रियम के पास और इस तरीके से रोड डाइवर्जन की गई है। देखिए कल के उपलक्ष्य में 15 जून, तो थोड़ा सर से पता करेंगे तो क्या है कल का प्लान, तो कल की क्या है रोड की स्थिति है, डाइवर्जन कहाँ कहाँ से क्या है और किस तरीके से ये गाड़ियों को भेजा जा रहा है। देखिए तो चलिए सर से पता करते हैं आप। सर जैसे कल 15 जून है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा जाम आने वाला है, जो बाबा को दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमें किस तरीके से आप लोग भेजेंगे। देखिए 2 दिन काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन इस वक्त हमारा प्लान बनाया गया है, जिसमें जो भी ट्रैफिक हमारा इधर से आ रहा है उसे जो नैनी बैंड है उसमें हम पार्क करा रहे हैं, वहाँ से शटल के माध्यम से उनको कैंची भेजना, ताकि लोगों को सहूलियत रहे, कैंची में जाम ना लगे। और कैंची में हमारा बिल्कुल 0 जोन है, ना कोई बाइक जाएगी वहाँ पे, ना कोई हमारी कार जाएगी, केवल शटल जाएगी, सिर्फ शटल। भीमताल जाना चाहेंगे, मुक्तेश्वर अगर जाना चाहेंगे उनके लिए, बिल्कुल सही आपने पूछा सवाल। तो इसमें हम ये जो हमारा नैनीबैंड बाईपास है इसके उस एंड से निकल करके नैनीबैंड बंद से भीमताल होते हुए अपने आगे गंतव्य को जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखिए कुछ इस तरीके से रोड डाइवर्जन है और कल के लिए जो तैयारी चल रही है ये देख सकते हैं आप लोग। तो इस टाइम मैं हूँ भवाली से नीचे, तो यहाँ पे इनको भेजा जा रहा है, तो यहाँ से शटल सेवा के माध्यम से आप लोग जाएंगे कल, तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये तो ये लग गया है लंबा जाम और यहाँ से आपको इधर भेजा जा रहा है, तो ये देख सकते हैं। तो आज मैं दिखाने लाया हूँ आपको क्या स्थिति बनी पड़ी है, तो देख सकते हैं। अरे सदाब भाई ने बड़ा दिमाग खराब कर रखा है, हेलमेट नहीं पहनना ही। तो इस तरीके से लगा हुआ है जाम, देख सकते हैं आप लोग ये, अब यहाँ तक था ये। और यहाँ से भी आप सकल सेवा के माध्यम से जाएंगे, देखिए ये, तो ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से हल्द्वानी 38 किलोमीटर है, नैनीताल 9 किलोमीटर है, तो यहाँ से भी आप सकल सेवा के माध्यम से जाएंगे, तो ये देख सकते हैं आप लोग। नैनीताल के लिए देखिए इस टाइम मैं नैनीताल पहुंच चुका हूं और यहां पे कुछ इस तरीके से फुटपाथ में नज़ारा है और भीड़ कम है, शायद 9 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, कि भवाली से मैंने दिखा दिया था वहां रोका जा रहा है, शायद जुली कोट रूसी बाईपास भेज रहे हैं वहां से आए शटल सुबह के माध्यम से। तो नैनीताल में तो भीड़ भी कम देखने को मिल रही है, जैसा आप देख रहे हैं ये सामने, तो भीड़ भी कम देखने को मिल रही है यहाँ पर, तो 9 किलोमीटर पहले ही रोका जा रहा है शायद, और शटल सुबह के माध्यम से भी नैनीताल पहुँचा जा रहा है।
तो चलिए चलते हैं नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक के पास, और यहाँ देखते हैं कि यहाँ कैसा क्राउड, भीड़ भाड़ है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से भीड़ भाड़ है यहाँ पे, और उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। आज फ्राइडे का दिन है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे काफ़ी नैनीताल में क्राउड भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आज इतनी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये देख सकते हो आप लोग, तो इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है ये। तो देखिए मैं पहुँच चुका हूँ, और देख रहे पानी का लेवल दिन पर दिन कहाँ तक पहुँच गया है, और यार्ड बोट कुछ इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पर्यटक नज़र आ रहे हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग पर्यटक। तो नैनीताल में पर्यटक नहीं पहुंच पा रहे हैं शायद, और आप देख सकते हैं कि 14 और 15 तारीख को कैची धाम में कितनी भीड़ होने वाली है, और अभी आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से नज़ारा है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक का। और ये देख सकते हैं आप लोग बोट्स और पानी का लेवल पहुँच गया है। तो ये देख सकते हैं पानी का लेवल, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ से पर्यटक आपको किस तरीके से नज़र आ रहे हैं। सामने देख सकते हैं आप लोग बैंड हाउस। तो नैनीताल का हाल कुछ इस तरीके से है, तो गाड़ियों की तो शायद नो एंट्री हो गई है फ्राइडे सैटरडे संडे, और वनडे को ईद है, तो देखते हैं कि ईद के बाद कैसा रहता है क्राउड नैनीताल में। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो देखिए पर्यटक कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं मछलियाँ वहाँ पर हैं, वो तो ये देख सकते हो आप लोग, और यहाँ पर्यटक बैठे हुए हैं, और सामने बैंड हाउस है, बैंड हाउस में लोग खड़े हुए हैं, वहाँ से नीचे को देख रहे हो तो पानी का लेवल कितना घट चुका है। तो कुछ इस तरीके से, तो देखिए अभी फुटपाथ पे दुकानें भी नहीं लगी हैं, और क्राउड बहुत कम है, भीड़ भाड़ बहुत कम है, आप देख रहे हैं। तो इसका जो समय है दुकानें लगने का 5 बजे से है, 5 बजे से दुकानें लगती है। तो अभी आप देख रहे हैं कि फिलहाल दुकानें भी नहीं लगी हैं, पर्यटक भी कम है, तो शायद गाड़ी को नो एंट्री मिल रही है, 9 किलोमीटर पहले ही रुक दिया जा रहा है। तो वो तो खैर पता है कि हम अभी आ रहे हैं भवाली से ही, तो भवाली में मैंने देख लिया था उनको, जूली कोर्ट भेज के शायद रूसी बाईपास पर जाने को कह रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि फुटपाथ का कुछ ऐसा नज़ारा है, लेकिन जब दुकानें लगती है तो आपको काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं सामने ही बैंड हाउस। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ फुटपाथ के में ही, और यहाँ पे दुकानें लगती हैं अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से, और अब तो फील्ड को जाने को है ही नहीं कि बड़ा लंबा जाना पड़ता है उधर से, अगर फील्ड में जाने की सोचे हम, क्योंकि इस तरीके से ये रेलिंग लग गई है। और देखिए पूरा नैनीताल खाली खाली ऐसा लग रहा है, लेकिन मस्जिद की तरफ थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं, और दिन में जो पर्यटक वैसे भी कम निकल रहे हैं, क्योंकि धूप नैनीताल में भी धूप तेज़ है, तो दिन में तो निकला नहीं जाता है। फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए और हॉकी मैच भी चल रहा है वहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मैं पहुँचने वाला हूँ चाट मार्केट, रोटिया मार्केट, तिब्बती मार्केट। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कुछ ये है, और सामने देखिए जामा मस्जिद, और कुछ इस तरीके से वेदर बना हुआ है ये। तो मैं पहुंचने वाला हूं, और यहां पे बाइक पार्किंग, तो यहां बाइक पार्क कर सकते हैं, इधर देखिए सामने ये, तो ये देख सकते हैं बाइक पार्किंग यहां पे है, और गाड़ी यहां पार्क कर सकते हैं आप लोग, ये तो आराम से बाइक पार्क हो जाती है। तो देखिए जैसे ये बाइक है पार्क आप करते हैं ना, तो एक दिन के लिए होता है ये, सुबह 8 बजे शाम के 8 बजे तक 30 रुपये लेते हैं ये, तो दूसरे दिन के लिए नहीं लेते हैं ये। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आप बाइक पार्क कर सकते हैं, तो सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक 30 रुपये, और दूसरे दिन फिर आपको अगर खड़ी करनी है तो 30 रुपये फिर देने पड़ेंगे, मतलब नेक्स्ट डे के। तो दो दिन के लिए नहीं लेते, सिर्फ एक दिन के लिए लेते हैं, गाड़ी आपकी पार्क हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से, तो आज शायद नैनीताल खाली खाली जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पार्किंग भी फुल नहीं है अभी ये। तो देखिए मैं पहुँच चुका हूँ इस टाइम भोटिया मार्केट, तिब्बती मार्केट, चाट मार्केट की तरफ, और कल नैना देवी टेम्पल का भी स्थापना दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा होगा शायद। तो ये अभी से कनाते नहीं लगी है, लेकिन उसका ढांचा तैयार कर दिया गया है, और सामने देखिए चाट मार्केट ये जिस तरीके से नज़र आ रही है।
तो फाइनली आज ब्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज ब्लॉग आपको पसंद है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस टाइम में बहुत सर की शॉप में बैठा हूँ, गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि कैची धाम भी गया था। कैची धाम का तो ब्लॉग वो शाम को आएगा, ये दिया नैनीताल का ब्लॉग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।